गाइस यही मुश्किल होती है, देख रहे हो लैंड छोटे रास्तों पे। देखो अब बैग ले जानी पड़ रही है गाड़ी, क्योंकि ना बड़ी स्पीड। अरे भैया, हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम हैं, मतलब आप कितनी स्नो है, वो पीछे जेसीबी आ रही है हमारी स्नो हटाने वाली। चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग आपने पिछला एपिसोड देखा हो तो आपको पता होगा यहाँ पे हमने एंड किया था, तो चलो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे तो बोर्ड भी लगा हुआ है ना कि एक्सीडेंट जोन, यहाँ पे बिल्कुल धीरे गाड़ी चलाओ एकदम। हाँ, ड्राइव स्लो, क्योंकि ना ये भाई साहब स्लिप हो रही है गाड़ी। हाँ, रोड पे भी पूरी ब्लैक आइस है ना, वे चल तो रहे हैं बाकी फंस ना जाए। हाँ, अभी तो फंस गई थी गाड़ी, वो तो भैया लोग आ गए थे तो उन्होंने निकाली थी गाड़ी, कह रहे उनके पास वो भी थी ना खींचने वाला, चैन लगा के खींच देते, बट वो ऐसे ही इतनी खेतब नहीं थी तो उन्होंने धक्का मार के, मैंने कहा धक्का मार के निकल जाएगी। कितना ही स्लो है भाई साहब, जबरदस्त, बस एंजॉय करो और हमें सपोर्ट भी करो। तो भाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, बड़ी मेहनत लगती है ठंड में सच में। तो ये अल्टो, ये 800 यही चढ़ती है पहाड़ों में यहाँ, या तो 4x व्हीकल हो या फिर ये पिकअप छोटी मोटी गाड़ियाँ, इन्हें पिकअप होता है ना अच्छा खासा, यूँ ही चढ़ जाती हैं। ठंड तो बहुत तेज है भाई गाइस, माइनस है, माइनस में टेम्परेचर है, अगर मौसम खराब हुआ तो भाई साहब स्नो ही गिरेगी जबरदस्त। मौसम खराब भी है वैसे, बादल है। अरे पेड़ टूटा पड़ा है यार, अबे ये गिर सकता है, निकालो भाई, ये तो लैंडस्लाइड जोन है भैया, हैं कहीं कंटेंट बनाते बनाते कहीं पहुंच गए कहीं बिक्रमपुर, ऐसे नहीं होगा, रास्ता कहीं नप गया। बस ये देखो बर्फ, देखो माई गॉड, इतनी बर्फ की बस बता नहीं सकते, हर जगह बर्फ ही बर्फ है। अरे भैया कहते हैं ना कोचम कोच मचा दिया स्नो के लिए, सब रास्ता आगे बंद ही लग रहा है। देखो स्नो हटाने का काम चल रहा है, देख सकते हो आप, वो देखो स्नो कैसे हटा रहा है, स्नो का काम चल रहा है, देखो सफाई हो रही है रोड की। छोटी सी जेसीबी है ये भी जेसीबी है, कितनी छोटी सी, और देखो स्नो हटाने का काम चल रहा है, ये देखो वाह। चलो चलते हैं, जेसीबी खड़ी हो गई, ये देखो रास्ते पे ही स्नो पड़ी थी, ये देखो अभी हटाई है जस्ट। माय गॉड, अभी ये ग्लेशियर लग रहा आ गया होगा रोड पे, वही सफाई हुई है, पत्थर भी कितना बड़ा पड़ा है। मम्मी बर्फ, हाँ बर्फ है बहुत। आगे जेसीबी जा रही है, पीछे हम, देखो भाई साहब ये जेसीबी यहाँ जैसे पत्थर स्नो नो गिरती है ना ग्लेशियर से छोटा मोटा आ जाता है रोड पे, तो ये सफाई करती है जेसीबी। क्यों खड़े हो गए भाई साहब, जेसीबी स्नो हटाती है, जेसीबी भी फंस गई, देख लो भैया निकालते हुए, देखो नीचे के चक्के उठ गए इसके, देखो कैसे फंस गई भैया, फंस गई क्या, फंस गई भाई साहब, कुछ भी फंस सकता है यहाँ, देख रहे हैं रोड कैसा है, माय गॉड, ब्लैक आइस है प्रॉपर, ये शुगर है जो कट दे रखे हैं ये, इधर गाड़ी साइड में लगा के, बड़ी गाड़ियां जो निकल सके, माय गॉड रोड पे बिल्कुल ब्लैक आइस है गाइस, बिल्कुल ये मान लो क्योंकि इसमें कैप्चर नहीं हो रही, बिल्कुल रोड पे ब्लैक आइस है भाई साहब, टेम्परेचर है -3 डिग्री दिखा रहा है, मौसम तो खराब है गाइस, मौसम तो खराब है, मौसम बन जाए एक बार 101% स्नोफॉल ही होगा, पानी नहीं गिर सकता, इतना ज्यादा ठंड है भाई साहब, बहुत तगड़ी वाली, और यहाँ पता भी करा है मैंने कि भाई अगर मौसम बना तो स्नोफॉल ही होगा, बारिश नहीं होगी ब्लॉक में, बस बने रहना, स्नोफॉल भी इंजॉय कराएंगे आपको। गाइस देख लो स्नोफॉल चालू हो गया, हाँ देखो देखो कितनी स्नो हो रही है, बाकी हालांकि ज्यादा तेज नहीं है, नॉर्मल है, बट ठंड बहुत है भाई, है मजा आ रहा है, सुनो ही सुनो, तो सुनो फॉल हल्की फुल्की हुई है, बंद हो रही है,
तेज वाली होती है, फिर दिखाता हूँ आपको। देख लो भाई स्नोफॉल कितना ही कैप्चर हो रहा है, बाकी हो तो रहा है तेज। ये देखो नीचे देख रहे हो, ये देखो सब खा ले, सब दे दे। क्या खा ले, कितना खाओगे तुम लोग? इसको देखो, इसका तो मुंह ही चलता है, वीडियो में देखो तो मुंह ही चलता मिलेगा इसका। तो जी इतनी स्नोफॉल हो रही है, देख लो, बाकी अंधेरा भी होने वाला है, अगर और तेज होगी तो फिर और एंजॉय कराएंगे। और बाकी निकलते हैं अब यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, चलो फिर। इतनी सारी स्नो है और स्नोफॉल भी साथ में हो रहे हैं, देखो गाइस यही मुश्किल होती है, देख रहे हो लैंड छोटे रास्तों पे। देखो अब बैग ले जानी पड़ रही है गाड़ी, क्योंकि ना बड़ी बड़ी। अरे भैया देख लो भाई, अंधों की तरह आ रहा था बैग। क्या ही हिमाचल वालों भाई, तुम ऐसा करोगे हमारे साथ? तुम उधर ले लो, ये पास वाले ले लो। बिल्कुल ही बिल्कुल शीशे में ठोक दी अपनी गाड़ी। देख लो भाई साहब, अरे हम भी बैग ले रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम एकदम स्पीड में ही ले लो। कमाल कर दिया इन्हें तो, वो तो हॉर्न। आराम गाड़ी देखो कैसे जा रही है अपनी, जरा बस के पीछे लगानी है। ओहो जगह कम है बहुत। पतला सा रोड है ना, एकदम सब जगह स्नो स्नो है तो प्रॉब्लम हो रही है निकालने में, इतनी बड़ी बस भी आ गई। अब देखो जगह बनाइए। भाई साहब बस नहीं, थोड़ी सी पीछे ले सकते? अबे वो हिमाचल वाले हैं, हम चाहे जितना आगे पीछे ले लें, हमें तो लेनी पड़ेगी। यही चीज है भाई, देख लो। ओह हाँ देखा आपने भाई साहब, आगे पीछे मैं ले रहा हूँ, थोड़ी सी पीछे ले लेता बस बंदा तो मैं ना काट के गाड़ी पीछे आराम से ले लेता, बस है भाई पीछे कैसे जाए। तो जी वीडियो को एंड करना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। और सुनो तो आप देख ही सकते हो कितनी है, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेगा आगे का व्यू।